गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 27 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। सी हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट जो मेंस एग्जामिनेशन है वहां पर हम अच्छा स्कोर कर सकें। और जब एग्जाम आने वाला होता है तो हम में से कुछ लोग मॉक टेस्ट भी देना शुरू करते हैं, लेकिन काफी सारे लोग उसे अवॉइड भी करते हैं। द थिंग इज, मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी आपको तब तक नहीं मिलने वाली है जब तक आप प्रीलिम्स को क्रैक नहीं करेंगे। एंड यू नो दैट प्रीलिम्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम टू क्रैक बिकॉज इट इज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे 5 लाख लोग अगर एग्जाम देते हैं तो 10,000 लोग ही पास करते हैं। इवन दो मेन्स के अंदर 10,000 लोग देते हैं तो उसमें से 2,500-3,000 लोग जो है पास कर लेते हैं, मतलब हर 3 या 4 इंडिविजुअल में से एक बच्चा पास करेगा ही करेगा। लेकिन जब प्रीलिम्स की बात करते हैं तो 5 लाख में से 10,000 पास हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर 50 के पीछे ही, और अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10 लाख हो जाते हैं तो 100 के पीछे एक बच्चा ही पास करता है। तो इसी वजह से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है, सो दैट डेली बेसिस पे जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो एमसीक्यू सोल्व करने की एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है। और इसी तरीके से प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आप 3, 4, 5 क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से सोल्व कर पाते हैं और ओवरऑल पेपर भी आप अच्छे से अटेंड कर पाते हैं कंपेयर टू समबडी जिसने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस नहीं किया है। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSE 2014 batch. आपके जो भी doubts होते हैं आप netmokis@gmail.com के ऊपर भेज सकते हैं। चलते हैं आज के topics के बारे में discussion करते हैं। तो प्रगति के बारे में discussion करेंगे, secrecy को लेकर एक question रहने वाला है, SEZ speciality steel के बारे में जानेंगे, PLI scheme firecracker chemicals को discuss करते हुए एक famous personality related question रहने वाला है हमारा, National Security Council के बारे में जानेंगे, रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल को डिस्कस करेंगे और फाइनली ग्रीन सोरा वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। रेन 50 कोड इज एक्टिव, तो रेन 50 कोड को आप यूज कर सकते हैं। मॉनसून सेल इज गोइंग ऑन, तो 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज जो भी सीरीज आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ताकि मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप जल्दी से स्टैटिक पोर्शन दिन में 1.5 से 2 घंटे देकर पूरा कवर कर सके अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स, इसके लिए आप जा सकते हैं। जल्दी से टारगेट को सेट करें, आज कितना स्कोर करने वाले हैं, 6 या 6 से ज्यादा कोशिश करिएगा स्कोर करने की, बिकॉज दैट इज द कट ऑफ स्कोर जो कि आपके लिए रखा गया है। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है देन आपको यहां पर अटेम्प्ट भी दोबारा से करना पड़ेगा। और वैसे भी सभी के लिए ये कहूंगा कि जब आप सेकंड टाइम देखेंगे तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, सो सेकंड टाइम बिकम्स इंपॉर्टेंट ऑन द वेरी सेम डे ही कोशिश करें आप सेकंड टाइम देख लीजिए और उसको नेक्स्ट डे पे मत छोड़िए। चलिए चलते हैं यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रगति को लेकर है। प्रगति इज एसोसिएटेड विद, प्रगति किससे जुड़ा हुआ है, किस चीज से रिलेट करता है। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे देता हूं यहां पर, आप कोशिश करें विद इन 10 सेकंड में इसको सोल्व करने की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेट करता है, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट से रिलेट करता है, टैक्स रिबेट से रिलेट करता है या फिर बिजनेस एनवायरमेंट से रिलेट करता है। प्रगति इनिशिएटिव की बात करें, टू फास्ट ट्रैक द अप्रूवल प्रोसेस, तो हमारे देश के अंदर जो वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं, सो इन द केस ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स द एंटायर अप्रूवल प्रोसेस नीड्स टू बी एक्सपीडाइटेड, फॉर दैट प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। क्या फुल फॉर्म है प्रगति की? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, इसको लेकर आया गया है। तो यहां पे वैसे तो इससे एज ए कॉन्सिक्वेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो होगा, बट दैट विल नॉट बी द बेस्ट आंसर। आपको एग्जाम के अंदर भी बेस्ट आंसर को चूज करना, बिकॉज दे विल बी गुड आंसर्स टू इन द ऑप्शंस। ऑप्शंस में बेस्ट आंसर भी होगा, गुड आंसर्स भी होंगे, बट यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। बेस्ट आंसर क्या है? फास्ट ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने के लिए प्रगति को लेकर आया गया, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ऑफकोर्स विच विल इवेंचुअली लीड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा प्रगति को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं जो कि सीक्रेसी को लेकर है। सीक्रेसी को लेकर न्यूज थी, बताऊंगा किस चीज को लेकर है, बट पहले सीक्रेसी को लेकर पूछा, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका गोपनीयता को लेकर सही है। सीक्रेसी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो सीक्रेसी आपका एक फंडामेंटल राइट है जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंदर आता है। मे बी इट इज अ सेंट्रल राइट ऑफ एन इलेक्टर टू कास्ट हिज वोट विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल ड्यूरेस और क्वेश्चन एज पर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक सेंट्रल राइट है किसका? इलेक्टर का, कि वो अपने वोट को बिना किसी डर के दे सके, ताकि बाद में उसका किसी भी तरीके से एक्सप्लोटेशन या शोषण ना हो, या फिर उसको किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती ना करी जाए। यहाँ पे 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, कॉमन सेंस को यूज करके इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, इन एनी इलेक्शन बीट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोटिंग इज अ मस्ट। जो यहाँ पे सीक्रेसी हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, वो यहां पर अनिवार्य है, दैट इज मैंडेटरी।
इट रीट्रेटेड इट्स 2013 जजमेंट इन पीयूसीएल केस. पीयूसीएल केस के अंदर भी इसको लेकर एक जजमेंट जो थी वो दी गई थी, उसको भी रीट्रेट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किया. एंड यस, सीक्रेसी जो है आपका एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी इट बिकम्स अ सेंट्रल राइट ऑफ एन इलेक्टर. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर. दोनों स्टेटमेंट यहां पर ठीक हो जाती है, हेंस यहां पर सी आपका आंसर हो जाएगा. चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर है. पूछा गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है. एन एसईजी इज अ टेरिटरी विद इन अ कंट्री दैट इज टिपिकली ड्यूटी फ्री. एसईजी एक टेरिटरी होती है कंट्री के अंदर, तो कंट्री के अंदर ही एक टेरिटरी है जो कि यूजुअली ड्यूटी फ्री होती है. इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है. एंड एशिया का पहला ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो गुजरात में कांडला में 1965 में लेकर आया गया था. यहां पे 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, 10 सेकंड्स में आंसर देने की कोशिश करें. स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैव टच्ड अ न्यू हाइट्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट इन लास्ट 3 इयर्स. पिछले 3 सालों के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं हमारे देश के अंदर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दी है. वाइल दीज ईपीज़ेड जो आपके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हैं ये सिमिलर होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन से. गवर्नमेंट बिगिन टू एस्टैब्लिश एसईज़ेड इन 2000 अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ताकि क्या किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस जो कि अदरवाइज हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलते हैं उनको ये फेस ना करें. लेकिन ईपीज़ेड जो है वो शुरुआत में लेकर आए गए थे जिसका नाम था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, लेकिन उसके अंदर कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, इसी वजह से फिर हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने शुरू करे. मतलब टेरिटरी के अंदर एक टेरिटरी जहां पर ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो है वो फेस नहीं करने पड़ेंगे, साथ ही साथ वेरियस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी फेस नहीं करने पड़ेंगे. तो एक ऐसी फैसिलिटी जैसे कि आप चाइना के अंदर भी देखेंगे जहां पर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैन्युफैक्चर करके उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो यस, इट इज यूजुअली ड्यूटी फ्री. पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है. ease of doing business बेहतर होगा कि कम होगा? तो of course यहाँ पे ease of doing business will be facilitated by this particular step that is special economic zone. export processing zone 1965 में पहला कांडला में लेकर आया गया था. answer तो D हो जाएगा, लेकिन क्योंकि EPZ को ज़्यादा success नहीं मिली, that's why we moved to special economic zone. उसके बाद special economic zone के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, जिसमें हम largely अपने आप को successful बता सकते हैं. चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए question number 4th को देखते हैं. Which of the following statement is or are correct about speciality steel? Speciality steel को लेकर पूछा गया, बताइए कौन सी statement correct है, कौन सा कथन आपका सही है. It is value added steel. ये एक value added steel है. It is made from normal steel. ये normal steel से ही बना होता है. And its applications are found in defense, space and power. इसकी application आपको defense, space और power में मिल जाएगी. सोचिए इसके बारे में. So, discuss करते हैं यहाँ पे. Recently, Union Cabinet approved the Production Linked Incentive PLI scheme, Central Sector scheme है for manufacturing speciality steel SS. और यहाँ पे जो budgetary outlay रखा गया है इसके लिए 6,322 crore का रखा गया for the period of 5 years, जो कि 2023-24 तक चलने वाले हैं. इसी वजह से speciality steel जो है SS ये news में था. अगर बात करी जाए so इट्स अ वैल्यू एडिड स्टील. क्या जो नॉर्मल स्टील होता है उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन होता है? तो बिल्कुल ठीक है, वैल्यू एडिड स्टील है, मतलब नॉर्मल स्टील के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन किया जाता है ताकि उसे डिफेंस, स्पेस और पावर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट बनाया जा सके. तो जो एप्लीकेशन दी है वो भी करेक्ट हो जाती है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए, सो जो क्वेश्चन नंबर 4th है इससे स्पेशलिटी स्टील से आगे बढ़ते हुए, वैसे इट्स अ वैल्यू एडिड स्टील मैंने आपको बता दिया. इसमें प्रोसेसिंग करी जाती है नॉर्मल फिनिश स्टील जो होता है उसके ऊपर, और उसके बाद इसे कन्वर्ट किया जाता है. नॉर्मल फिनिश स्टील जो होता है उसे हाई वैल्यू एडिड स्टील के अंदर कोटिंग करके, प्लेटिंग करके, हीट ट्रीटमेंट करके उसका जो नेचर होता है उसे चेंज किया जाता है. वंस द नेचर इज चेंज्ड इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द स्पेशलिटी. रेल्स हो गए, अलॉय स्टील हो गए, और जो आपका वियर रेजिस्टेंस स्टील होता है, स्टील वायर्स और आपका इलेक्ट्रिकल स्टील, जो अलग अलग चीजों के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है. वैसे जो एप्लीकेशन की बात करें स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन की, तो वो डिफेंस, स्पेस और पावर सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं, जो कि पीएलआई स्कीम को लेकर है. पूछा गया पीएलआई स्कीम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है. ये इंसेंटिवाइज करती है इंक्रीमेंटल सेल को. तो इंक्रीमेंटल सेल्स जब होते हैं तो इसके अंदर इंसेंटिव्स जो है वो दिए जाते हैं. स्कीम डज नॉट इन्वाइट फॉरेन कंपनीज टू सेट यूनिट्स इन इंडिया, इंस्टेड एनकरेज लोकल कंपनीज. क्या करती है? फॉरेन कंपनीज को नहीं इन्वाइट करती, लेकिन रादर क्या करती है, जो हमारे यहाँ लोकल कंपनीज है उनको एनकरेज करने की बात करी जाती है इसके अंदर. 10 सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूं.
और 10 सेकंड्स के होते ही हम इसके बारे में डिस्कशन जो है अपना शुरू करेंगे। देखिए वैसे ही पीएलआई स्कीम जो है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो हमने पहले भी देखा है और हमारी गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली इस स्कीम को रन किया है वेरियस सेक्टर के अंदर। इन ऑर्डर टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कट डाउन द इंपोर्ट बिल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च 2020 में पीएलआई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था ताकि ऐसी चीजें जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ जाता है वो कहीं ना कहीं कम किया जा सके, और अगर इंपोर्ट बिल कम होगा तो हमारी प्रीशियस फॉरन एक्सचेंज जो होगी वो बच जाएगी, वो हमें नहीं देनी पड़ेगी। देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए चाइना से हम सस्ते मोबाइल या मोबाइल एक्सेसरीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वही डॉलर्स के अंदर पैसा हमें चाइना को देना पड़ेगा जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नीचे चले जाएंगे। अगर वही सारी चीजें जो हम मोबाइल फोन्स या फिर जो मोबाइल फोन की एक्सेसरीज चाइना से इंपोर्ट करते हैं, अगर वो हम अपने देश में बनाने लग जाए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट जो हम चाइना को हर साल देते हैं ये हमें नहीं देना पड़ेगा, और जब ये अमाउंट नहीं देना पड़ेगा तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बने रहेंगे और हमारा जो अपना खुद की मैन्युफैक्चरिंग है वो कैपेसिटी भी डेवलप हो जाएगी। इससे हम दूसरे देशों को जो कि चाइना से नहीं इंपोर्ट करना चाहते या नहीं कर सकते उनको यहां पर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो यस, इंक्रीमेंटल सेल्स के अंदर इंसेंटिव जो है इसके अंतर्गत दिया जाता है, इसमें इवन फॉरेन कंपनीज को भी इनवाइट किया जाता है और लोकल कंपनीज को भी एनकरेज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंपनीज को इनवाइट ना किया जाता हो, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, A will be the correct answer. The scheme invites foreign companies so that they could set their units in India. However, at the same time, we also encourage the local companies too. Scheme has also been approved for sectors जैसे कि automobile हो गया, pharmaceuticals हो गए, IT hardware हो गया, in which we can include mobile phones, telecom equipments, white goods, in which you can include ACs, laptops, chemical sales, food processing and textile के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए A हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। रेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा बिकॉज ये आपका लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है। exam.netmock.com या netmock.com पर जाकर आप रेन 50 कोड को यूज कर सकते हैं, सो दैट सीधा ही आपको 50% जो लिमिटेड पीरियड का डिस्काउंट है ये मिल जाए। 100 डेज 200 डेज की सीरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप 2021 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, 2022 के लिए दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहे हैं और एक फुल फ्लेज कोर्स जो है फाउंडेशन कोर्स चाहते हैं तो मिशन यूपीएससी 2022 को 50% डिस्काउंट पे ले सकते हैं, इन विच Everything right from your NCERTs to the standard books जो है material आपके exam से related जो है वो इसमें cover किया जाएगा। चलते हैं next topic के ऊपर जो कि question number 6 को लेकर है। Question number 6 बात करता है which of the following toxic chemical या chemicals is or are found in firecrackers? Firecrackers के अंदर क्या nitrate पाया जाता है? What about copper, potassium, zinc oxide? Time period शुरू कर देता हूँ, 10 seconds आपके पास हैं। Recently, Supreme Court has dismissed appeals challenging the NGT's order. तो NGT का जो order था जिसमें complete ban लगाया गया था firecrackers की sale के ऊपर COVID pandemic time पर NCR region के अंदर, उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया। जुलाई के महीने की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर दिवाली जो है अब आपकी आएगी कुछ 3 महीने के बाद, तो यहाँ पे पहले से उसका बेस जो है तैयार किया जा रहा है ताकि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया जाए, इसके ऊपर एक डिसमिसल ऑर्डर ले लिया जाए और ये बैन जो है हटवा लिया जाए। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस अपील को ही यहाँ पर डिसमिस कर दिया। फायर क्रैकर्स के बारे में कहा गया कि इसमें काफी सारी हैवी मेटल्स होती हैं, टॉक्सिक होते हैं, केमिकल्स होते हैं जैसे कि कैडमियम हो गया, लेड, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक ऑक्साइड, सोडियम, ये सब चीजें पाई जाती हैं जिससे कि एनवायरमेंट पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है। तो नाइट्रेट, कॉपर, पोटेशियम, जिंक ऑक्साइड, ये चारों ही इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आप भी अपना ओपिनियन मुझे बताएगा, डू यू थिंक जो ये फायर क्रैकर को बैन किया जाता है एनसीआर रीजन के अंदर, इज इट अ गुड आइडिया, क्या ये सही है या फिर ये रिलीजियस जो फेथ होता है उसके अंदर इंटरफेरेंस है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा बिकॉज इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे जाएंगे कि क्या दिवाली के ऊपर जो ये जजमेंट दी गई है सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी के द्वारा, इज इट गुड और नॉट, आप इससे अग्री करते हैं या नहीं? देखिए अग्री करें या ना करें दोनों आंसर आपके सही है, लेकिन उसको जस्टिफाई करने की जो चीज है वो सही होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, तो किस पर्सनालिटी की बात करी जा रही है? जन्म इनका मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, फिर इन्होंने एचआरए को भी ज्वाइन किया और काकोरी प्लान जो था इनके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। एक यहां पर 10 सेकंड्स जो है आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। करेक्ट आंसर इज सी, चंद्रशेखर आजाद इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह या कोई दूसरी भगत सिंह के ऊपर मूवी देखी है, अदरवाइज स्पेक्ट्रम को अगर अच्छे से पढ़ा है जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको पता चलेगा ये सारे फैक्ट्स जो है चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में है।
एचआरए जो है ज्वाइन भी किया था, और बाद में जब एचएसआरए बनी थी उसके निर्माण के अंदर भी इन्होंने मेन इंपॉर्टेंट जो एक कॉन्स्पिक्यूस रोल होता है वो यहां पर प्ले किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। पूछा गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी है, वन बाय वन इसको देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ थ्री टीयर्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनर्जी एंड सिक्योरिटी इश्यूज। तो ये तीन टीयर का एक स्ट्रक्चर है जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनर्जी एंड सिक्योरिटी इश्यूज को देखता है, पॉसिबल है। होम मिनिस्टर जो है इसको प्रिसाइड करते हैं, किसको, एनएससी को, ये भी पॉसिबल है। टाइम पीरियड में आपका शुरू कर देता हूं, आप सोच समझ के आंसर करिएगा। पेगासस कंट्रोवर्सी चल रही है, बट कंट्रोवर्सीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द एग्जामिनेशन, बट यस इससे कंसर्निंग जो दूसरी चीजें आएंगी इससे रिलेटेड चीजें वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड पेगासस कंट्रोवर्सी के बाद इट वाज रिपोर्टेड दैट द यूनियन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन द नेशनल सिक्योरिटी हैज रिजन फ्रॉम 33 करोड़ फ्रॉम 2016-17 टू 333 करोड़, सो 10 टाइम्स इंक्रीज जो वो देखा गया 2017-18 मतलब सिर्फ एक साल के अंदर। एनएससी ऑफ इंडिया एक तीन टीयर का स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनर्जी एंड सिक्योरिटी इश्यू जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हमारी होती है, स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स के अंदर बात करी जाती है। एनएससी जो है दैट इज प्रिसाइड्स ओवर द एनएससी, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोवाल जी। तो एनएससी जो है वो यहां पर हेड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, होम मिनिस्टर प्रिसाइड नहीं करते, ध्यान रखिएगा। सुनने में लग सकता है कि एनएससी है और इस तरीके की बॉडीज यूजली गृह मंत्री को दी जाती है हेड करने के लिए, बट दिस टाइम इट इज द एनएससी दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज द हेड और ही प्रिसाइड्स ओवर एनएससी एंड इज ऑल्सो द प्राइम या प्राइमरी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है। करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोवाल जी है, ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी लेकिन पहली स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आंसर विल बी ए। चलिए चलते हैं यहां से, यहां पे अजीत डोभाल बैठे हैं, यहां पे देख सकते हैं फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जो कि रुद्रेश्वर रामप्पा टेंपल को लेकर है। इट हैज बिकम 39th इंडियास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कहां पर लोकेट करती है, 10 सेकंड्स में आंसर करिए। इंडिया की तरफ से नॉमिनेशन गया था रुद्रेश्वर टेंपल का, जिसे कि रामप्पा टेंपल भी कहा जाता है, तो रुद्रेश्वर टेंपल का है या रामप्पा टेंपल का है एक ही बात है, कहां पर लोकेट करता है। ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में है, वारंगल इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इट हैज बिकम द 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये ध्यान रखिएगा। सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, लोकेशन वाइज बी, ठीक है। डिसीजन वाज टेकन एट द 44th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को टुडे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो बी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर है। इस तरीके से दिखता है टेंपल, जिसमें आप यहां पे कुछ फीचर्स जो है आप द्रविड़ा टेंपल के देख सकते हैं, और यहां पे जो हाइट के ऊपर बनाया गया वो भी यहां पे देख सकते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट ग्रीन सौरा वाटर सप्लाई स्कीम इज लॉन्च्ड एट, इसे कहां पर शुरू किया गया अभी रिसेंटली, मेघालय में, आसाम में, मणिपुर या फिर नागालैंड के अंदर। तो यहां पे 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। रिसेंटली हमारे जो होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह, उन्होंने इसे लॉन्च किया है, ग्रीन सौरा एफोरेस्टेशन कैंपेन, और साथ ही साथ एक ग्रीन सोरा वाटर सप्लाई स्कीम जो है उसको भी लेकर आए हैं, इसे लेकर आया गया है मेघालय के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा कि जो स्कीम है, कई बार स्कीम के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, और जल्दी से अभी रिवाइज करते हैं, रिविजन 2 मिनट के अंदर करेंगे। और आप जानते हैं कि एक्टिव रिविजन का क्या फायदा होता है, आप एग्जाम के अंदर चीजों को भूलते नहीं है, लेकिन उसके लिए एक्टिवली रिवाइज करना, इट मींस क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आता है ट्राई टू रिकॉल एज मेनी फैक्ट्स एज पॉसिबल एंड यू ऑल्सो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन विच आई आस्क, तो मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर करने की कोशिश करिएगा, और जो टॉपिक आपके सामने उससे रिलेटेड जो भी चीजें आपको याद आती है जो अभी हमने पढ़ी है वो भी आप यहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करिएगा। प्रगति के बारे में क्या पढ़ा था हमने जल्दी से बताएं, सो प्रगति किस चीज को लेकर था, यस फास्ट ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, फुल फॉर्म क्या है इसकी बताइए, सो फास्ट ट्रैक द अप्रूवल ऑफ द प्रोसेस प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रगति इनिशिएटिव के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था सीक्रेसी को लेकर, तो क्या ये फंडामेंटल राइट है, तो यस इट इज अ फंडामेंटल राइट। केस का नाम बताइए अगर आपको याद आ रहा है तो यहाँ पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट कि इलेक्शन जो है वो वहां पर सीक्रेसी को फॉलो करना जरूरी है और आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देखने को मिलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में हम जानेंगे एसईजेड के बारे में। पहला ईपीजेड कहाँ खुला था जल्दी से बताएं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं ये बेसिकली एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी अच्छे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी फायदा होता है। ईपीजेड का जो मॉडल था वो कुछ खास नहीं कर पाया, कांडला के अंदर 1965 में बनाया गया था, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो होती हैं उसको भी कम किया। चाइना के अंदर काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं इसके, वैसे
स्पेशलिटी स्टील के बारे में पढ़ा था हमने। स्पेशलिटी स्टील जो है वो किस चीज को लेकर था बताइए, स्टील के बारे में क्या पढ़ा था हमने। यस, ये एक वैल्यू एडेड स्टील है। इसके लिए कितना आउटले दिया जा रहा है, 6,000 करोड़ से ज्यादा का आउटले दिया जा रहा है। 2023-24 5 सालों को कवर किया जाएगा। नॉर्मल स्टील से बना होता है लेकिन उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया जाता है, सो दैट इट कुड बिकम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एज वेल। तो आपके डिफेंस सेक्टर, स्पेस एंड पावर सेक्टर के अंदर भी इसका जो इस्तेमाल है वो किया जा सके, इसकी वजह से इसको लेकर आया गया है। यहां पर आंसर क्या था हमारा, डी वॉज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पीएलआई स्कीम को डिस्कस किया था। क्या इसमें जो पीएलआई स्कीम है फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया जाता है, तो यस फॉरेन कंपनीज एज वेल एज द लोकल कंपनीज दे आर इनवाइटेड। नाउ यहां पर इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर हमने देखा है टाइम एंड अगेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो लैपटॉप्स हो, मोबाइल फोन्स हो, इनको लेकर आया गया, इसके ऊपर स्कीम्स को लेकर आया गया और इनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो थी उसको भी बढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करते हैं। उससे पहले रीन 50 कोड को प्लीज यूज कर लीजिएगा 100 डेज 200 डेज के लिए और 2022 सीरीज के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जहां पर मैंने आपको बताया था फायर क्रैकर्स के अंदर क्या क्या होता है। जल्दी से बताएं फायर क्रैकर्स के अंदर क्या क्या होता है, चारों बीस या फिर इसके अलावा भी कुछ चीजें आता तो प्लीज बताइए। यहां पर डिस्कशन हमारा हुआ था कि एनजीटी को, जो एनजीटी ने फायर क्रैकर के ऊपर एनसीआर के अंदर बैन लगाया, उसके ऊपर बेसिकली एक याचिका दायर करी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं सुना और कहा कि जो एनजीटी ने कहा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक गैस चैम्बर बन जाता है दिवाली के आसपास के टाइम में, तो इसी वजह से इसको रोका जाना काफी जरूरी है। नाइट्रेट, कॉपर, पोटेशियम, जिंक ऑक्साइड के अलावा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, क्रोमियम, एल्यूमिनियम जो है वो भी इसके अंदर मिल जाएंगे। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर, देव वी टॉक्ड अबाउट पर्सनैलिटी को लेकर, सो वी टॉक्ड अबाउट चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने एचआरए को ज्वाइन किया था, एचएसआरए को भी ज्वाइन किया था, मध्य प्रदेश से आते हैं और काकोरी प्लान को भी एग्जीक्यूट उन्हीं के द्वारा किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं, जल्दी से बताएं। और यहां पर एनएससी जो है इसमें 3 टीयर होते हैं, उनके नाम भी अगर आपको पता तो बताइएगा। देखा गया है कि जो पिछले एक साल 2016-17 से 17-18 को कंपेयर करें तो 10-फोल्ड इंक्रीज जो है वो एनएससी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट की जो एक्सपेंडिचर था उसमें हमें देखने को मिला है। और 3 टीयर स्ट्रक्चर के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड सिक्योरिटी इश्यूज को देखा जाता है। साथ ही साथ इसको हेड कौन करते हैं, इसको हेड किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 में रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल जो है कहां पर लोकेट करता है, इसको 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है बनाया गया, सो इट इज इन तेलंगाना, बी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में ग्रीन सौरा वाटर सप्लाई स्कीम जो है ये कहां पर आई है, चेरापूंजी मेघालय के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर इसे इनॉग्रेट किया गया हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा। देन नेक्स्ट यहां पे रिवीजन हमारी कंप्लीट हो जाती है और फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे को आपको मैराथन सेशंस मिल रहे हैं। आप में से काफी सारे लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं और मुझे बता भी रहे हैं कि कितना कितना आपने स्कोर किया, दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। प्रीलिम्स का क्वेश्चन का आंसर जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है, 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट को यहां पे सिलेक्ट किया गया। इंडिया के किसी भी एक हेरिटेज साइट का नाम जो है वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और एज यूजुअल स्टैटिक का जो क्वेश्चन है वो आपका यहां पर लाया गया है, ड्यूरिंग द हर्षा रूल्स द इंपैक्ट ऑफ फ्यूडलिस्ट सिस्टम इन इंडिया बिकेम विजिबल, इसे एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे जो हर्षवर्धन है उनके शासन के दौरान सामंतवादी व्यवस्था जो थी उसके क्या क्या इंपैक्ट्स पड़े, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री से बनाया गया है। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक क्वेश्चन को भी हम कवर कर रहे हैं और इसके आंसर मेंस के ग्रुप में आप यहां पर देख सकते हैं। और अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन भी, तो आप इंटरव्यू के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। दीज आर द कोर्सेज जहां पर आप रेन 50 कोड को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जहां पर आपके लाइव कमेंट्स चल रहे हैं या फिर कमेंट्स के अंदर भी देखेंगे तो पहला कमेंट जो है उसे मैंने पिन किया है, वहां पर भी इस चैनल का लिंक दिया गया है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द एडिशनल वीडियोस। जल्दी से अपने मार्क्स बताएं, कितना आपने स्कोर किया आउट ऑफ 10, 10 में से कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 6 से ज्यादा देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ले लीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।